गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट इज योर साइंस पीरियड। आई विल राइट लेसन 7। आज आपको मैं लेसन 7 रीड कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और कॉपी पर लिखिएगा। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, डेट डालिए, क्लास कोड डालिए, लेसन 7 डालिए। अब उसके आगे से काम करिए। जहाँ तक मैंने कल कराया था, मैंने कल कितना करेक्ट ऑप्शन आपको लिखाए थे, उसी के आगे से आपको आज लिखना है। ठीक, आज लिखना है आपको। ब्लैक पेन से लिखिए, बी नंबर डालिए, लिखिए फिर FILL, फिल इन द ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। ये लाइन पूरी ब्लैक पेन से आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको वन नंबर डालना है। वन नंबर डाल करके आपको लिखना है वन प्ले, PLAY प्ले विथ WITH विथ सार, SHARP सार, ऑब्जेक्ट्स OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, सच SUCH सच, एज KNIVES नाइट्स, एंड SCIESSORS सीजर्स। वन प्ले विथ सार्प ऑब्जेक्ट सच एस नाइट्स एंड सीजर्स। ठीक, सार्प ऑब्जेक्ट यानी कि धारदार ऑब्जेक्ट, जैसे नाइट्स है और एची है, इन दोनों चीजों से प्ले नहीं खेलना चाहिए। क्या होगा? वन शुड नॉट प्ले, क्या आएगा? शुड नॉट प्ले, हमें इन दोनों चीजों से नहीं खेलना चाहिए। क्या भरेंगे?
काल और इफ यू सी एन इंजर्ड पर्सन, यदि आप किसी घायल व्यक्ति को देखें इमीडिएटली तो आपको तुरंत बुलाना चाहिए उसको, तुरंत आप किसे बुलाएंगे, आप किसी बड़े को वहां पर तुरंत बुलाएंगे, किसी बड़े को तुरंत वहां पर बुलाएंगे जो उसकी सहायता करेगा। ठीक, एडल्ट, ए डी यू एल टी, एडल्ट, ये ब्लैक पेन से बनना है, राइटिंग का ध्यान रखना है और अपनी जो स्पेलिंग्स है इनका भी ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो, जब सही लिखी जाएंगी तभी सही पढ़ पाओगे और अच्छे से लर्न कर पाओगे, समझ में आ गई पूरी बात। अब इसके आगे एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है, सी नंबर डालना है, टी आर टी ट्रू और फॉल्स, एफ ए एल एस टी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में नंबर वन वाला देखिए क्या लिखा है, कीप टू योर लेफ्ट, ए डबल ई टी कीप, टी ओ टू वाई ओ यू आर गोर लेफ्ट, एल ई एफ टी लेफ्ट, वाई डब्ल्यू एच आई एल ई वाई राइडिंग, आर आई डी आई एन डी राइडिंग, बाइसिकल, ए बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल, कीप टू योर लेफ्ट वाई राइडिंग अ बाइसिकल, क्या हो गया, कीप टू योर लेफ्ट बाई ओर देखना चाहिए वाई राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल को चलाते समय क्या होगा ये ट्रू हो जाएगा, की लिख देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर है, इट इज सेफ, इट इज सेफ टू टच, टी ओ यू सी एच सी एच अ पेन ऑन फायर, इफ यू से आप सुरक्षित हैं यदि आप जलते हुए बर्तन को, जो बर्तन आग पर चढ़ा हुआ है उसको आप छू रहे, ऐसा हो सकता है कि आप सुरक्षित रह पाएंगे, आप तो जल जाएंगे। ठीक, इसके बाद नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर है, ए ब्लीडिंग, ई डबल ई डी आई एन ई ब्लीडिंग, ए ब्लीडिंग बाउंड डब्ल्यू ओ यू एल डी वाउंड should be S H O U L D should B E D treated T R E A T E D treated immediately E I double M E D I A T E L Y immediately ठीक, just देख घाव से यदि खून निकल रहा है तो उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए, उसको तुरंत देखना चाहिए, ये क्लू है। इसके बाद अगला देखिए, इसके बाद फोर नंबर देखिए, फोर नंबर क्या है, डोंट क्राउड डी ओ एन टी डोंट सी आर ओ डब्ल्यू बी क्राउड अराउंड ए आर ओ यू एन डी अराउंड डब्ल्यू ओ यू एन डी ई डी बाउंडेड पर्सन, डोंट क्राउडेड भीड़ नहीं लगानी चाहिए बाउंडेड पर्सन के चारों ओर, जो व्यक्ति घायल है उसके चारों ओर कभी भीड़ नहीं लगानी चाहिए, ये कथन आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक, इसको आपको कॉपी पर बड़े सुंदर राइटिंग में लिखना है और स्पेलिंग की गलती ना हो, और ये पूरा जितना भी आज का क्लास वर्क है ये आपको होमवर्क में लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा, पढ़ पढ़ के लिखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से जल्दी लर्न हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।